मैं सिंध अहमद बशीर डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल जावल से। मेरे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कवि नीरज जी ने जिनकी दोहे हम पढ़ रहे हैं सुनो और गुनो, उनके पिछले जो दोहे थे उनके बारे में हमने पढ़ा। उन दोहों में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। अब हम आगे जो है उनके जो बाकी के जो दोहे हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो उनका अगला जो दोहा है, दोहा नंबर 9, कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृत। कवि नीरज जी कहते हैं कि मनुष्य ज़्यादा दिनों तक जीवित रहना चाहता है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आदमी कितने दिनों तक जीवित रहता है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कितने अच्छे ढंग से जीवित रहता है। अमर होने की भावना का तत्व यही है, यही बात को अपने दोहों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे नीरज जी का दोहा नंबर 10 को पढ़ेंगे कि जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। कवि नीरज जी कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल दो चार का ही हो, मगर हम उसे इस तरह जिए कि एक एक दिन हजार हजार दिन जैसा लंबे और आनंददायी हो जाए। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने की बजाय हमें इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम कितने अच्छे जीवन व्यतीत करते हैं, कितना अच्छा जीवन बिताते हैं। यही बात यहाँ पर नीरज जी ने बताने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, हम अगला दोहा देखते हैं, दोहा नंबर 11, के अहंकार और प्रेम का कभी न निपटा साथा, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। अर्थात यहाँ पर कवि नीरज जी कहते हैं कि प्रेम का अहंकार से वैर है, जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। कवि से समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी उतनी है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। जैसे प्रभात और शाम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, उसी तरह अहंकार और प्रेम का भी मिलन होना असंभव है। यहाँ पर नीरज जी ने यह बात बताई है कि जिस तरह सुबह और शाम नहीं मिल सकते, उसी तरह से प्रेम और अहंकार सम्राट घमंड इन दोनों का भी मिलाप नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मेरे बच्चों, अगला दोहा हम देखते हैं कि मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। कवि नीरज जी इन दो के माध्यम से हमें ये बात बताते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि भारत माँ की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए हमारे जो सैनिक है, सिपाही है, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। इस दोहे के अंदर नीरज जी ने पैगाम हमें दिया है। अगला दोहा हम देखते हैं जो इस दोहावली का आखिरी बद दोहा है, इसमें दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाव, काट रहा है मोड़ तू उसी वृक्ष की द्वार। यहाँ पर कवि नीरज जी उन लोगों पर तरस खाते हुए कहते हैं जो वृक्षों की, पेड़ों की उपयोगों को नहीं समझते और उन्हें काटने के लिए तैयार रहते हैं। वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि जिस दरख्त ने, जिस पेड़ ने तुझे ना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए तुझे ठंडी छाव दी, तो उसी को भूल गया तू, उस वृक्ष उस पेड़ की डालियों को काट रहा है, तू अनुपकारी है, यानी तू एहसान मानने वाला नहीं है, तू एहसान फरामोश है। यही बात वो इन दोहों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज के दौर में दरख्तों की बेशुमार कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए आपने यहाँ पर इन दोहों के अंदर एक पैगाम यहाँ पर दिया है।